हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ESIC के जो दो लेटेस्ट न्यू नोटिफिकेशन आए हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपके बहुत सारे डाउट हैं जो मेरे पास कॉमेंट करके पूछ जाते हैं, तो उनका डाउट शायद आज नोटिफिकेशन के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता है कि लास्ट जब जनवरी 2023 में बहुत सारे PF के अंदर भी अपडेट आए और ESIC के अंदर भी अपडेट्स आ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे अपडेट आपको चाहिए तो मेरे को आपको पता है जो भी लेटेस्ट अपडेट आई है लास्ट जो भी जनवरी में, आपको देखो लेटेस्ट वीडियो आपके पास प्रोवाइड है विथ नोटिफिकेशन, आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उस पर मैं अपलोड करा देता हूँ जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो ESIC के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन वो भी मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए, तो आप अगर अभी तक फॉलो नहीं किया फॉलो ज़रूर कीजिए, जिससे मिलते हैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन वीडियो और जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी तक अगर मैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, जिस वजह से आपको साथ कुछ मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम जो गजट नोटिफिकेशन आया था ESIC का उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के पास मेरे पास कमेंट्स भी आता था, एम्प्लॉयर का भी कमेंट्स आ रहा था कि ESIC में आधार कैसे लिंक करें। तो ये जो गजट नोटिफिकेशन है वो आधार ऑथेंटिकेशन के रिगार्डिंग ही आया है। तो इसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो गजट नोटिफिकेशन 13 जनवरी 2023 को जारी किया गया श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों का है। ये नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी ही अपलोड कर दिया गया था। तो इसमें जो नोटिफिकेशन हमारा, वो पता है कि जब सोशल सिक्योरिटी का सेक्शन 142 अप्लीकेबल हुआ था, जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ESIC ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि आधार वेरीफाई करे या नहीं करे। तो स्टार्टिंग में एक बार आधार नंबर लेना कर दिया था, बीच में फिर उन्होंने आधार का सिस्टम इन्होंने रिमूव कर दिया था। तो अभी से रिगार्डिंग इन्होंने अधिसूचना जारी की गई है। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम को स्वैच्छिक आधार पर हाँ या नहीं का विकल्प या EKYC का प्रमाणिक सुविधा का उपयोग करते हुए लाभार्थियों की पहचान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का 3(4) के उपबंधों के अधीन चिकित्सा और नकद इतलाबों को सहित सामाजिक सुरक्षा कराने के लिए आधार अधिप्रमाणन की अनुमति जी जाती है। तो इसमें जो अप्रूवल है वो फाइनली मिल गया है। जो ऑथेंटिकेशन होगा KYC का, तो जो भी वॉलंटरी बेसिस पे होगा वो डिसाइड करेगा यस और नो ऑप्शन और EKYC ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी का जो बेनिफिशरी होगा। अगर जैसे आपको ESIC का बेनिफिट लेना है, अगर आपको उसमें कोई भी जैसे आपको कैश बेनिफिट लेना है या मेडिकल बेनिफिट लेना है, तो उसमें आपके लिए पास ऑप्शन रहेगा कि आप उसमें यस या नो सेलेक्ट करके अपना आधार ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं। तो ये इसमें पूरा डिपेंड ऑन आप पे डिपेंड करेगा। तो अगर ये इसमें अभी यही ऑप्शन दिया कि स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इज अलाउड टू परफॉर्म आधार ऑथेंटिकेशन ऑन ए वॉलंटरी बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज यूजिंग येस और नो ऑप्शन और EKYC ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इंक्लूडिंग मेडिकल एंड कैश बेनिफिट अंडर द प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो जितने भी आपको पता है कि PF के अंदर ऑलरेडी आधार वेरीफाई है सब कुछ होता है, ESIC में भी आगे मैंडेटरी हो जाए। येस नो का ऑप्शंस जब आप बेनिफिट लेने जाओगे या ऑनलाइन आप जब अपना क्लेम अप्लाई करने जाओगे तब आपका आधार KYC का आपके पास ऑप्शन का होगा कि आप उसमें अपना करवाना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो अभी तक पोर्टल पे कोई अपडेट नहीं है सर, आशा करते हैं लास्ट इस कुछ महीनों में ये ऑप्शंस आपको मिल जाए कि जब आप किसी का ESIC नंबर क्रिएट करें तो आपका आधार नंबर मैंडेटरी हो सकता है या कोई बेनिफिट लें तो मैंडेटरी हो सकता है। जब भी लेटेस्ट अपडेट पोर्टल पे आएगा तो उसका वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अब ये हो गया हमारा आधार KYC के रिगार्डिंग कि अब ESIC जो IP नंबर से टैग होगा नहीं होगा उसके बारे में। तो अप्रूव तो मिल गया है लेकिन ये वॉलंटरी बेसिस पे है, वो पूरा लॉजिकली डिपेंड करेगा जैसे एम्प्लॉय पर। अगर इसमें PF की तरफ से कर सकता है वो डिक्लेरेशन लेता है, वैसे से तो आपसे डिक्लेरेशन लिया जाए, तो वो देखते हैं कैसा क्या अपडेट आता है पोर्टल पे। जैसे भी अपडेट आएगा आपको तुरंत बता दिया जाएगा पूरा प्रोसेस के साथ। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। फिर आता आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है ESIC का, जो ये सेंट्रल के द्वारा जारी नहीं किया गया, ये SRO कॉलम के द्वारा जारी किया गया। तो इसमें ऑल एम्प्लॉयर्स अंडर SRO कॉलम फाइलिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय हु आर ESIC लीव। दोस्तों, क्या होता है कि जो ESIC का आप चलान पेमेंट करते हो तो इसमें जो ESIC पे जो ओन लीव है उनका भी आप पेमेंट कर देते हो, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें आप देखोगे विथ रेफरेंस टू द अबव इन्फॉर्म दैट दे आर ऑडिट पार्टी फ्रिक्वेंटली बी ऑब्जर्व दैट कॉन्ट्रीब्यूशन इज बींग फाइल्ड बाई द एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉय आर ऑन ESIC लीव।
जैसे एस आई सी लिए का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपने एस आई सी से मेडिकल का बेनिफिट लिया, तो एस आई सी क्या होता है, आप जो मेडिकल बेनिफिट होता है उसमें आपको रेस्ट डे देता है, तो वो रेस्ट डे आप जितने रहते हो एस आई सी आपको एक लिख के देता है जो फॉर्म होते हैं, तो उसका पेमेंट एम्प्लॉयर को नहीं करना होता। लेकिन उस केस में अगर एम्प्लॉयर पेमेंट कर देता है तो वो गलत होता है, रॉन्ग होता है। तो इसमें वही इश्यू है, जैसे कोई फीमेल है वो मेटर्निटी लीव पे एस आई सी की तरफ से, तो एस आई सी की तरफ से उसे मेटर्निटी लीव पे है तो उसका जो पेमेंट है वो एस आई सी करता है, ना कि एम्प्लॉयर। अगर वो एम्प्लॉयर भी पे करता है और वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया तो उस केस में वो वहाँ पे फॉल्स हो जाता है। द इश्यू दैट ऑडिट रिकमेंडेड फॉर रिकवरी ऑफ पेमेंट गिवन बाय द एस आई सी कॉरपोरेशन टू कंपनसेट लॉस ऑफ वेजेस ऑन द ग्राउंड दैट एम्प्लॉयर हैज ऑलरेडी पेड द वेजेस टू द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द एस आई सी लीव पीरियड। तो एस आई सी लीव पीरियड के अंदर अगर आप कोई भी एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जमा कर रहे हो वो बहुत ही गलत है, और वो आपसे जो एम्प्लॉय है उससे रिकवर किया जाएगा। तो इसमें यही है कि ऑडिट परपज में बहुत सारे जो एम्प्लॉयर हैं वो गलत कॉन्ट्रीब्यूशन जमा कर रहे हैं, जो एस आई सी के ओन लीव पे है या मेटर्निटी लीव पे है तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जमा कर देते हैं गलती से कैसे भी, तो इनका वो ध्यान रखना होगा। तो इसमें लिखा कि इट इज़ अंडरस्टूड दैट द मोस्ट ऑफ द केसेस इट हैपन ड्यू नेग्लिजेंस ऑफ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स व्हेन कॉन्ट्रीब्यूशन इज फाइल्ड द रिस्पेक्ट ऑफ दियर एम्प्लॉयज। इन दिस रिगार्ड प्लीज नोट द वंस यू फाइल कॉन्ट्रीब्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉय बाई इंटरनिंग ए सर्टन नंबर ऑफ डेज एंड सर्टन अमाउंट ऑफ वेजेस अगेंस्ट दियर नेम इन एनी मंथ। तो उन्होंने यही बोल रहे हैं बार बार कि जब भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन फाइल करें तो उनका जो नाम लिख लें, जो मेडिकल लीव है एस आई सी की तरफ से, जो मेटर्निटी लीव पे, या किसी की तरफ से जो एस आई सी वेजेस पे कर रहा है, तो उसका आप एक नोट करें। और जब आप कॉन्ट्रीब्यूशन फाइल करें एस आई सी का, जब चालान बनाएं, तो उनका अच्छे से चेक करके अमाउंट वेजेस जो भी है तो वो एक्चुअल में हुई डालें। कुछ जब ऑलरेडी अगर एस आई सी उसका बेनिफिट ले रहा है, अगर आप उसे पे कर रहे हैं तो वो उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा और वापस उसे रिकवरी किया जाएगा। तो इसमें लिखा है कि इट्स क्लियरली स्पीक दैट द एम्प्लॉयज हैव बीन पेड द अमाउंट ऑफ सैलरी और द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ विच यू हैव फर्निश्ड अगेंस्ट द नेम वाइल फाइलिंग मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन विच यू कैन नोट डिने एट लेटर स्टेज। तो देयरफॉर to avoid recovery wages paid by the employees to SIC corporation to compensate the loss of wages during the period of SIC only, you have ensured that you are not filing contribution of those days. Accordingly, it suggests that as the responsible employer, इसका जो लास्ट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपको पता पूरा एम्प्लॉयर को आता है, जब भी आप कोई चलान बनाए कुछ भी करें, तो इसमें जो कंसल्टेंट का भी उन्होंने नाम लिया गया, क्योंकि लगभग जितने भी एम्प्लॉयर हैं सब कंसल्टेंट रखते हैं, तो कंसल्टेंट को भी इसमें टेक किया गया। अकॉर्डिंग टू स्टेट सजेस्ट दैट एज अ रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर यू आर सपोज टू नाउ द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हु आर ओन एस आई सी लीव एंड द स्टाफ हु डील्स विद द एस आई सी मैटर और आउटसाइड कंसल्टेंट हु डील विद द एस आई सी मैटर्स हैव टू इंश्योर द वेरीफाई अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन योर एट योर ऑफिस आर फुली बिफोर फाइलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी मंथ्स। तो इसमें साफ साथ में टेक किया गया कि बहुत सारे इंप्लॉयर हैं वो कंसल्टेंट से कराते हैं जो भी आउटसाइड मैटर होते हैं एस आई सी के जो भी है, तो उनको अटेंडेंस रजिस्टर का अच्छे से मेंटेन करें और वो चेक करके ही कॉन्ट्रीब्यूशन को फाइल करें, तो गलत ना फाइल करें जिस वजह से एस आई सी का जो भी बेनिफिट लेने वाला इंप्लॉय है वो इसको सफर ना करे, उसे रिकवरी पे ना करने पड़े। क्योंकि इंप्लॉयर को नहीं पता होता कि मैं चलान बना रहा हूं कि कैसे जमा होता है कैसे नहीं, अगर आप उसका जमा कर देते तो उसको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा एस आई सी के तरफ से। तो इट मे बी ब्रॉट देयर अटेंशन दैट नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉय आर पेड एस आई सी लीव सैलरी शुड बी एक्सक्लूडेड व्हेन द नंबर ऑफ डेज आर इंटर अगेंस्ट सच एम्प्लॉय रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ सैलरी कॉरस्पॉन्डिंग सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर ओनली इंटर द ऑनलाइन पोर्टल अगेंस्ट द नेम ऑफ दीज एम्प्लॉयज। तो उनको एक्सक्लूड कर दे जो एस आई सी की तरफ से लीव पे है। तो यही बार बार इस पर ध्यान दिया, क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे तो 90% है जो चलान है वो ऐसे ही बनते हैं, कोई चेक नहीं करता ये ऐसे कि किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है, किसी को लेफ्ट नहीं कर रहे, किसी को लीव नहीं दिखा रहे, जैसे आ रहा है वैसे करें, क्योंकि जो 90% है वो चलान ही गलत तरीके से बनते हैं, उनका फुली फिलहाल नहीं हो पाता। तो इसमें दोबारा से रिक्वेस्ट की गई एस आई सी की ब्रांच ऑफिस SRO से, इट्स केयरफुली वाइल फाइलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्लीज डू नॉट फाइल कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर दोज डेज ड्यूरिंग विच पीरियड योर एम्प्लॉयज आर ओवर एस आई सी लीव। तो एस आई सी लीव पे है उनका खास तौर पर ध्यान रखें, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जमा ना करें। इट इज़ हियर बाई वन दैट इज सच इंसिडेंट आर रिपीटेड इन फ्यूचर द लीव अमाउंट पेड बाई एस आई सी कॉरपोरेशन इन फॉर सच डेज विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयज एंड फर्दर एक्शन एज पर प्रोविजन ऑफ एस आई सी एक्ट विल बी टेकन अगेंस्ट द एम्प्लॉयर फॉर रॉन्ग फाइलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन प्लीज टेक इज कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। तो इसमें वार्निंग
दे जा रहे हैं जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं, तो जितना भी इम्प्लॉई अगर SIC पे ली हो तो अपने इम्प्लॉयर को जरूर बताएं कि मुझे जो मैं अपना रिमबर्समेंट है, जो भी मेरा वो सैलरी मिलेगी वो SIC की तरफ से मिलेगी, आप मुझे पे ना करें। तो आप SIC मेंबर तो ध्यान रखिए। अगर आप एक इम्प्लॉयर हैं तो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पता है कि आपको किसको ऑन लीव दिखाना है, किसका कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करना है। आप अगर आप कंप्लायंस का फाइल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये आप चलान बनाते टाइम गलतियाँ करते हैं, तो अच्छे से चेक करें, वेरीफाई करें, तभी SIC का चलान बनाए। दोस्तों मेरा लेटेस्ट एक नया कोर्स आने वाला है PFSI का चलान कैसे बनाएं पूरा एक्यूरेट करेक्ट के साथ, क्योंकि अभी बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए, तो जल्दी ही आने वाला है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप गलती करने से बच सकें, और जो नए अपडेट आते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो कंप्लाइंस है, कंप्लायंस में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं, कभी PF में, कभी SIC में, कभी LWF में, कभी कुछ ना कुछ लॉ में, कंप्लायंसेस में। आपको पता है कि लास्ट PF के अंदर कितने अपडेट्स आ गए, SIC में कितने अपडेट्स आए, तो हमारा चैनल ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है, जो आपको और लेटेस्ट न्यू अपडेट विथ इन 24 आवर्स और मैक्सिमम 48 आवर्स के आपको हिसाब से अपडेट करके आपको बताता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट करके आपका जो भी कोई रिक्वेस्ट है, कुछ सजेशन है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे वीडियो के साथ। धन्यवाद।